everyone. Today you are going to witness the biggest defense system ever created. Fasten your seatbelts and thank you for coming. Our defense system can deactivate this nuclear missile containing 20% of highly enriched uranium energy that has the lethal power to destroy a radius of 301 kilometers on impact. Okay, what is the target? What? Here. Abashutka! Oh my god. Hey. What's going on? साइल तो नहीं फटा लेकिन इनकी फट गई। लेट द ऑक्शन बिगिन। बैटलशिप पे तुम्हारी बॉडी कैम के लाइव फीड से मिली ये लास्ट फुटेज है। इसके बाद क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, शायद तुम भी नहीं। ये क्या है? तेरा बॉडी कैम और इसकी मेमोरी भी ना बिल्कुल तेरी तरह अटक गई है। इमोशनल होके खींचा ना तो डैमेज हो जाएगा। जो तुझे याद नहीं वो शायद इसमें है। ब्रो सॉरी, अरसलान कहाँ है? ये तेरी वन नाइट मेमोरी में अरसलान भी था? ये नाम तुमने कसौली वाले घर में लिया था। तुम्हें मिशन अरसलान राठौर और हमारी टीम जय भवानी का बुलावा है। मैं निकलता हूं, यू गाइस कंटिन्यू। ऑपरेशन कवच की टीम में 6 मेंबर्स थे, अरसलान उनमें से एक था। बाकी 5 ऑपरेशन कवच के पहले 2 मिशंस में हमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिला था। हमारा पूरा होप इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर टिका हुआ था। नॉर्थ ईस्ट चाइना बॉर्डर के एक कैंप में लीड शील्डिंग की एक बहुत बड़ी डील हो रही थी और ये एलिमेंट कवच में एंटी रेडिएशन प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। हम अरसलान के सिग्नल का वेट कर रहे थे और हमेशा की तरह डील की इंफॉर्मेशन भी उसने ही दी थी। Everyone in position? Zulu in position. Whiskey in position. Foxtrot in position. Quebec in position. Brilliant. Get the job done. Sure, sir. Absolutely. Quebec Zulu, engage. Engaging now. Foxtrot, targets on your northwest. Look east. 2 more targets. Whiskey, look east. Incoming target. Where are you from? Which organization? Who sent you? Huh?
You tell me, which country? You? What about you? तुम लोग अपना अपना देख लो, मैं अपने भगवान को याद करने जा रहा हूं। Quebec, secure the package. Securing package. Go, go, go. Pick it up, pick it up. Go, go. Let's move. Om kahan hai? वापस चलो, ओम वुड नीड बैकअप। कोई जरूरत नहीं है, रहने दो उसको। व्हाई यू मूड मट्टा? अन्ना, व्हाट? तेरा बेस्ट फ्रेंड नीड्स बैकअप रे। ओम खुद ही बैकअप है। टर्न योर बैक्स। रेस्क्यू करना हमारा मिशन नहीं था। मिशन सिर्फ मारना नहीं, बचाना भी होता है। हिंदुस्तान का गुरूर, उम्मीद है कि आज इतने सालों का संघर्ष और इंतजार खत्म होगा और देश की ढाल वापस लौटेगी। क्या स्टेटस रोहित? जय हिंद सर। 55 सेकंड्स अगो एंड मूर्ति सर इज ऑनलाइन। पैच हिम थ्रू। पैचिंग हिम थ्रू। मूर्ति सर ऑन योर स्क्रीन नाउ। जैन सर, तबीयत कैसी है आपकी? खराब। इतनी शॉर्ट नोटिस, अर्जेंसी क्या है? सर, 1400 आवर्स पर एक कोविड ऑपरेशन है सर। अभी 15 मिनट पहले लीड मिली। मुझे उम्मीद है कि आज हम अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। दैट्स ग्रेट न्यूज। लेट्स प्रे कि आज इंडिया को उसकी ढाल वापस मिल जाए। यस सर, आई होप। अल्फा टू टारगेट 30 सेकंड्स। आपका होप बहुत महंगा पड़ता है राठौर साहब। जैन मैम। वंदना जी, प्लीज, एसी कैबिन में बैठकर सोल्जर्स को क्रिटिसाइज करना अच्छा नहीं लगता। हम 5 साल में बदलने वाले पॉलिटिशियंस नहीं है, देश के लिए पूरी लाइफ देने वाले सोल्जर्स हैं। प्लीज राठौड़, लोकेशन क्या है? अनडिस्क्लोज्ड है सर। रोहित, एजेंट ग्रे फॉक्स कितनी देर में ऑनलाइन आएगा? 10 सेकंड सर। 10 सेकंड सर। मुझे पता था वही पहुंचेगा। जीतता वही है जो मौत को ललकारने का दम रखता है। आई होप ही डिफीट्स डेथ टुडे। आई एम नॉट श्योर अबाउट डेथ सर, बट आई एम डेट श्योर अबाउट ओम। He's live.
अल्फा, जय भवानी। जय भवानी। ब्रावो, मेरे आने की खबर मुझसे पहले पहुंच चुकी है। How's that possible? तुम जल्दी ही। ये क्या हुआ रॉय? Sir, I think we lost the power from the main source. What? Emergency backup power is not responding. Someone go check the power grid. Go! Yes, sir. Fast! Okay, sir. Go! Resolve kar issue ko. Come on! Fast! Sirf connection hi gaya hai ya mission bhi? Ma'am, please! Rathod, I want a full report on this. रातोड़ मैं डिस्कनेक्ट क्यों हुआ? कुछ टेक्निकल इशू हो गया था सर। डैमिट, होम और मिशन का क्या हुआ? अभी कुछ कह नहीं सकते सर, हम उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश? सिविलियन वाला जवाब मत दो। कैसे भी कुछ भी करो उसे ढूंढो। होम हमारा स्ट्रॉन्ग एसेट है और आखिरी उम्मीद है। एंड राठौड़, वो तुम्हारा बेटा भी है। गेट हिम। Negative room. Thank you.
पीछे बेटा। Sir, Om is back. What? Om zinda hai? आ जाएंगे। हाँ मिल गए बाबा, मिल गए। मिल गए? घर में आग लगी थी, वो लोग बाबा को ले गए। कौन कौन लोग? मुझे बाबा को ढूंढना है। मेडिकेशन और वीकनेस से तुम्हें हलूसिनेशन हो रहा है। जस्ट सिट। आया बाबा। ओम ओम रुको। तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? Are you guys okay? Is home safe? रो अटैक तेरे कॉल के 2 घंटे बाद हुआ है। What the शक? मुझ पे? तुझ पे शक होता ना तो तेरा कॉल नहीं उठाती रो। Anyway, home is safe with me right now.
But they were professionally trained agents, so check ke kis bureau se hain. Sab fake tha cops. Fingerprint, face recognition data, sab check kiya. It was a decoy. What? Hold on, cops. Cut the call right now, you may be tracked. ये लोग कौन थे और तुम पे अटैक क्यों किया? अटैक मुझ पर नहीं, तुम पर हुआ है। मुझ पर? तुम कौन हो? तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रही हो? मुझे दो मिनट सोचने दोगे ओम? प्लीज मुझे स्ट्रेस मत दो। तुम मुझे बार बार ओम क्यों कह रही हो? ओम को ओम नहीं तो क्या बोलूं? ऋषि, मैं ओम नहीं ऋषि हूं। कसौली 11 जाना है। कसौली वसौली छोड़ो ओम, अभी तुम्हारी सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे सोचने दो प्लीज। व्हाट द हेल आर यू डूइंग? मुझे जाना है। ठीक है, ओके, मैं ले जाऊंगी। क्या है कसौली में? शायद मेरे सवालों के जवाब। सर, यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, आपको आना पड़ेगा। तुम यहां क्यों आए हो? मैं यहां खड़ा था, चारों तरफ आग लगी हुई थी, वो दोनों बाबा को खींच कर ले जा रहे थे। मैं चिल्लाया लेकिन बाबा ने मुझे अपनी तरफ आने से रोका। वो दोनों बाबा को जोर से खींचने लगे। जैसे ही उनकी ओर बढ़ा, एक जलता हुआ पिलर हमारे बीच में आकर गिरा।
बाबा जी के इधर मता ऋषि भाग जाओ, पर मेरे पैर यही जम गए थे। वो दोनों बाबा को ले गए। मैं भाग गया और भागते भागते उस माइलस्टोन तक जा पहुंचा, और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है। तुम्हें बैटलशिप मिशन आर्सलान राठौर्स और हमारी टीम, ये सब तो याद है ना? मेरे बाबा याद है, ये तुम्हारे बाबा हैं? लक, तेरे जीपीएस में एसयूवी था, तेरे एसयूवी में जीपीएस था। वैसे अगर इनका बस चले ना तो मेरे यहां भी एक चिप डाल दे। सो सर, हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है उनके पास। मतलब? I think उसे कुछ भी याद नहीं। What do you mean? सर, कुछ याद नहीं? सर, actually mind blowing छोकरो छे, mind blown हो जाने के बाद भी कैसा मस्त बैठा है, एकदम कड़क। डॉक्टर, क्या ओम की memory? I wonder कि वो जिंदा कैसे है? No, डॉक्टर, memory is important। मूर्ति important क्या है? मुर्दा विथ मेमोरी या जिंदा विथ होप सर। स्मार्ट बॉय, आगे जाएगा ये। मैंने अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा केस नहीं देखा कि ब्रेन में एक इंच अंदर तक बुलेट घुसा हुआ है, फिर भी ये चलता है, फिरता है, बोलता है, और मैंने सुना कि मारता भी है। मतलब मसल मेमोरी कड़ाक है, कड़ाक। लेकिन आपने कहा कि होप है। होप इज डोप। हो सकता है कि उसे कल याद आ जाए, और हो सकता है कि उसे कभी याद ही ना आए, और हो सकता है कि उसे याद आ भी गया हो। स्मार्ट बॉय, गो एंड चेक। यस सर। सर, मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलना। एक चाय और एक बिस्किट। लेकिन डॉक्टर, उसे थोड़ा बहुत याद है। थोड़ा बहुत? एक एपिसोड, एकदम टीवी के माफिक, फुल HD। वो क्या है, हमारी मेमोरी तीन टाइप की होती है, सेंसरी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में हमारे ब्रेन में एक एपिसोडिक मेमोरी होती है। इसको गोली लगी उस समय इसने जो देखा जो सुना तो उसके ब्रेन में उससे रिलेटेड एक टेम्पररी मेमोरी ट्रिगर हो गई। अब वो उसी मेमोरी के ट्रोमा में अटक गया है। चाय, वाह। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसमें आप लोग अटक तो नहीं रहे, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो उसका दिमाग एकदम एम्प्टी है, बस इतना ही बचा है।
उसकी मेमोरी में वो ट्रॉमा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। अब मेरे को भी जाने का है, हाँ? लेट हो रहा है, चाय बड़ी बकवास थी। मेरे दो छोकरे ऑब्जर्वेशन के लिए हैं यहाँ, कुछ भी अर्जेंट हो ना कॉल मत करना, अब जस्ट व्हाट्सअप। थैंक यू। ओके बाय। सर डॉक्टर इज राइट, ओम को सिर्फ अपने बाबा ही याद है। गुड, एटलीस्ट उसे राठौर याद है। राठौर सर नहीं, ये देव। यस सर, और वो ये भी कह रहा था कि वो ओम नहीं ऋषि है। उसे उस रात देव के घर का किडनैप वाला ही इंसिडेंट याद है। राठौर, क्या यह सच है? यस सर। यू मीन ओम उस गद्दार का बेटा है? देव की गद्दारी अभी कोर्ट में साबित नहीं हुई है। तो उसका इनोसेंस भी अभी तक साबित नहीं हुआ है राठौर। तुमने मुझसे सिर्फ ओम ही नहीं, उसके सच को भी छुपाया। अगर ये सच हमें पहले पता होता, शायद आज देश का गद्दार तिहार जेल में और देश का गुरूर हिंदुस्तान में। एंड डू यू नो, मैं तुम्हें इस पॉइंट पर टर्मिनेट कर सकता हूं। मुझे लगा तुमने भरोसा 2 महीने पहले तोड़ा, लेकिन ये तो सालों से टूटा है। खुद के साये पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, मैंने आपसे ही सीखा सर। एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, इससे सच कमजोर होता है। लेकिन अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि मेरे लिए तिरंगे और अपने देश से बढ़कर कुछ और है, तो मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। Do you understand the repercussions? PM और NI के डेलीगेशन का कौन कॉल है सर? I'm coming. सर वंदना मैम भी लाइन पर है। I said I'm coming. Yes, sir. Damn it. अगर ये सच इन लोगों तक पहुंच जाता तो ये मिशन, ये ऑफिस खत्म, गॉन। ब्लडी हेल। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, ये सच सिर्फ हम तीनों के बीच में रहना चाहिए। ओम का सच हमारे सोच में भी नहीं आना चाहिए। आई थिंक आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर। यस सर। राठौर, क्या तुम भी देव के बारे में यही सोचती हो? सर जितना भी मैं जानती हूं, देव इज द बिगेस्ट ट्रेडर ऑफ आवर कंट्री। तुम गलत जानती हो, देव पोखरण के बाद इंडियन साइंस का फ्यूचर बन चुका था। आज ऑलमोस्ट हर देश के पास न्यूक्लियर पावर है, मगर न्यूक्लियर अटैक से बचने का डिफेंस सिस्टम किसी के पास नहीं है, और वो हम बनाएंगे। Could you please elaborate? जी, न्यूक्लियर मिसाइल को एक्सप्लोजन से पहले ही डिफ्यूज करना, इस फॉर्मूला का साइंस है। हम न्यूक्लियर एलिमेंट्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से ही ट्रांसल्यूसेंट शील्ड बनाएंगे, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द माइक्रो फ्लूइड टेक्नोलॉजी। मिसाइल जैसे ही शील्ड के सरफेस में एंटर करेगी, उसका सर्किट ठीक ट्रिगर होने से पहले ही ये एटमिक बॉम्ब का फ्यूजन एंड फिशन जो डीएक्टिवेट कर देगा। नो एक्सप्लोजन, नो रेडिएशन। इन सिंपल टर्म्स, न्यूक्लियर एनर्जी को सिर्फ एक ही चीज हरा सकती है, और वो है खुद न्यूक्लियर एनर्जी। Sounds interesting, Dev, but is it possible? सर, 1998 के पहले तो पोखरण भी नहीं पॉसिबल था। पोखरण पहला नहीं था, उसके कई एग्जाम्पल्स। एग्जैक्टली, तो इसका एग्जाम्पल हम बनेंगे। सोच को सच करना ही साइंस का पावर है। तुम्हारी टीम में कौन कौन होगा? रजत थारोड एंड दीवान शंकर। Blueprint is almost ready, sir. Sir. अब design, development और test करने तक कम से कम 12 से 15 साल लगेंगे। और इस project का नाम क्या होगा? ये ढाल बनकर मेरी देश की रक्षा करेगा।
इसलिए इसका नाम होगा कवच। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सो मच। कल से एक टीम 24/7 आपकी सिक्योरिटी के लिए रहेगी सर। सिक्योरिटी से खामखा टेंशन बढ़ेगी। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। सिक्योरिटी आइडिया नहीं है, ऑर्डर है। Congratulations. Thank you. Did it been impossible था? No, it was all you. Well deserved. Sir, हमने DRDO की टीम को भी बुला लिया है। हम उनके साथ भी ब्लूप्रिंट शेयर कर लेंगे। But sir, DRDO क्यों? दो की जगह चार हाथ मिलकर काम करेंगे तो कवच जल्दी बन जाएगा सर। पर सर, ब्लूप्रिंट अभी तैयार नहीं है सर। DRDO को तो बाद में भी बुला सकते हैं ना सर। Right sir. Dev, are you sure? About your team. इनके पैर तो अभी से लड़खड़ा रहे हैं। Don't worry guys. Blueprint will be ready sir within a week. Okay, let's go. Dev workaholic था, temperamental था। लेकिन गद्दार नहीं था। सर आप देव के बारे में इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? क्योंकि मेजर उदय राठौर के दोनों बेटे हैं। देव राठौर और जय राठौर के खून में गद्दारी हो ही नहीं सकती। देव मेरे सगे बड़े भाई थे। कैजुअलिटी तो नहीं सर? घर में कोई कैजुअलिटी नहीं है, पूरा घर खाली है। घर खाली? हाँ सर। सर 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 कहाँ जा रहे हैं आप? सर सर रुक जाइए सर। सर दे भाई साहब। सर इस दौर से सर कहाँ जा रहे हो? सर वापस जाइए। सर दे भाई साहब। ऋषि दे भाई साहब। ऋषि मेरी पत्नी अश्वी ने ऋषि को मां की तरह संभाल लिया। ऋषि भैया हम लोगों के साथ यहीं रहेंगे और ओम तुम्हें ऋषि भैया का ध्यान रखना होगा। 8 साल के ऋषि ने CBI को वही बताया जो तुम्हें ओम ने कसौली में बताया था। ठीक है बेटा, सोचो कुछ देखा हो तुमने, कोशिश करो कुछ याद आए, बाबा ने कुछ कहा हो, बोलो। बाबा ने बोला कि भाग ऋषि भाग, आप प्लीज मेरे पापा को ले आओ ना, प्लीज मुझे मेरे पापा चाहिए। बच्चे को जो पता था उसने बता दिया, वो ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज्ड है। ओके चल बेटा। ठीक है, आपको पता है इस बच्चे की कहानी का एक वर्जन और है हमारे पास। मतलब? लेकर आओ उसको। सज्जन बताओ सब। साहब उस रात घर जाने के ठीक पहले मैंने कुछ देखा था। क्या देखा था? दीवान और रजत घर में पेट्रोल छिड़क रहे थे, फिर आग लगा दी। आग किसने लगाई ये बता। बोलो आग किसने लगाई? साहब वो बड़े बड़े साहब ने। क्या बकवास कर रहे हो तू? जय जय वेट मिस्टर राठौर, बात अभी खत्म नहीं हुई है, आगे का बता। साहब वो बड़े साहब ने दीवान और रजत को कहा कि इस एक्सीडेंट का ऋषि बाबा को गवाह बनाएंगे,
यही वो पुलिस को बताएगा और जो बच्चा बताएगा उसे पूरी दुनिया सच मानेगी। बकवास कर रहा है तू? चुप बोल रही है। बिहेव योरसेल्फ। कूल डाउन। भाई साहब ऐसा कर ही नहीं सकते। कूल डाउन जय। अरे ये बात सच नहीं है सर। सच क्या है? एविडेंस बताएगा ना। आई सेड कोऑपरेट। मैं सोचने समझने की शक्ति खो चुका था। हर दिन न्यूज चैनल पर सफिया की न्यूज थी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, न्यूक्लियर साइंटिस्ट देव राठौर का अपहरण। यह अपहरण है या देव राठौर का रचाया हुआ कोई षड्यंत्र? 8 साल के बच्चे और 35 साल के नौकर के बयान अलग अलग, लेकिन सच क्या? ये सब क्या कह रहे हैं भाई साहब के बारे में? तुम फिक्र मत करो, सच जल्दी ही सामने आ जाएगा। ऋषि कैसा है? संभल रहा है, ओम के साथ मन लग गया है। गुड, तुम अंदर जाओ, मैं देखता हूँ। साहब मुझे बचा लो साहब। हुआ क्या है तुम? साहब मुझे दरवाजा बंद रखना है साहब। सज्जन साहब मुझे बचा लो साहब। सज्जन मुझे बचा लो साहब। मुझे बचा लो साहब। किससे बचा लो? साहब रजत तो दीवार के लोग मुझे मार डालेंगे साहब। साहब मुझे बचा लो साहब। साहब साहब मुझे आपको कुछ बताना भी। क्या बताना है? उस रात रजत तो जमीन पर उठना मत। सज्जन 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 यशवी बच्चे कैसे? तभी अश्वी ने वो कहा जो कहने की हिम्मत मुझ में भी नहीं थी। बच्चे का नाम ऋषि राठौड़। ऋषि राठौड़। सज्जन के अटैक के बाद ऋषि की जान का खतरा बढ़ गया था। ऋषि को बचाने के लिए ऋषि का मरना जरूरी था। मैंने आर्मी छोड़कर रॉ ज्वाइन कर ली थी और इस बात की खबर यशवी को भी नहीं थी। कवच और देव को ढूंढना मेरी जिंदगी का एकमात्र मिशन था। ऋषि की जिंदगी में मां की कमी थी और यशवी की जिंदगी में बेटे की। दो अधूरे लोगों ने मिलकर एक दूसरे की जिंदगी को पूरा कर दिया। अपने बाबा की तलाश उसकी किस्मत बन गई थी। बस जरूरत थी उसके जज्बे को सही दिशा देने की। ऋषि
मेरी सोच से ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। बेटा हाँ ओम टेढ़ा है। रहने दे माँ, जब जब सीधा करूंगा तब तब याद आएगा कि मैं ऋषि नहीं ओम हूँ। घुटने से लिपटने वाले बच्चे का कद खुद से बड़ा हो जाए तो बाप का सीना चौड़ा हो जाता है। रात भर सोई नहीं, जा मिल ले। तेरे आने से पहले पिछले 15 सालों से मैंने रॉकी हर विंग में काम किया है और कवच से रिलेटेड हर इंटेल को गैदर किया है। आई एम लिसनिंग। मेरे पास एक डेडिकेटेड टीम है मैम, अगर इस सेपरेट विंग को अप्रूवल मिल जाए तो आई प्रॉमिस मैं देश का कवच देश को वापस लौटा दूंगा। ओम राठौड़ क्यों? डोंट मेक इट अ फैमिली अफेयर। आप ओम का सरनेम नहीं उसकी काबिलियत देखिए मैम, उसकी सारी रिपोर्ट्स फाइल में मौजूद हैं। ही इज वन ऑफ द बेस्ट पैरा कमांडो वी हैव मैम। मिस्टर राठौड़, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी फैमिली का एक हिस्सा दूसरी तरफ है। Still you want me to approve this file? वंदना जी, ये प्रोजेक्ट अपने स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस और पेपर के दम पर यहाँ आ पहुंचा है। अगर प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करना होता तो ये अप्रूवल में डायरेक्ट पीएमओ से ले आता। इफ यू स्टिल अप्रिहेंसिव आई विल लीड द स्पेशल विंग। ओम, बचपन से लेके आज तक तुम्हारे जीवन का जो लक्ष्य रहा है उस सफर की शुरुआत आज हो चुकी है। रास्ते आसान नहीं होंगे, चुनौतियां भी सख्त होंगी और फैसले भी। याद रखना, राष्ट्र हमेशा रक्त से बड़ा होता है। एक लड़ाई को जीतने के लिए उसे कई बार लड़ना पड़ता है। रक्त रहे या ना रहे, राष्ट्र हमेशा रहेगा। जय भवानी। जय भवानी। सर, आपका रोम का ये सैक्रिफाइस इंस्पिरेशनल है, बट फिलहाल ओम की जैसी कंडीशन है, क्या वो फिर से उठ पाएगा? छोड़ो, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। ओम, ओम। ऋषि, मैं यहां क्या कर रहा हूं? ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें बाबा के बारे में जानना है ना? तुम्हें ये बताएंगे, ये जय राठौर सर हैं, सर ये ऋषि है। भरोसा हिला हुआ है तुम्हारा। सब बताने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। तुम्हारे बाबा और कवच का पता लगाने के लिए रॉ ने यह स्पेशल विंग शुरू किया और इसी प्रोजेक्ट ने तुम्हें ओम बनाया। तुम हमारे ओम थे, ओम हो और ओम रहोगे। ऑपरेशन कवच के दौरान तुम कवच के बहुत करीब पहुंच गए थे कि तभी तुम्हारे सिर में गोली लगी और तुम्हारी मेमोरी चली गई। मतलब मेरी जिंदगी का मकसद हमेशा से यही था, बाबा को ढूंढना। शायद इसलिए सारी बातें भूलने के बाद भी तुम्हें
सिर्फ वही याद रहे? मैं ढूंढूंगा सर। अभी नहीं, अभी तुम फिजिकली और इमोशनली अनस्टेबल हो। इस अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए तुम्हें पहले अपने आप को पूरी तरह रिकवर करना होगा। मैं बाबा तक पहुंचने के लिए कुछ भी करूंगा। सर, आपसे एक बात पूछनी थी, आपने ओम को अपने बारे में क्यों नहीं बताया? हर बात का एक सही वक्त होता है काव्या। युद्ध के मैदान में रिश्तेदारियां नहीं बताई जाती। हमारे लक्ष्य तक सिर्फ ओम ही पहुंच सकता, और इस युद्ध के लिए मुझे कमजोर ऋषि की नहीं, एक बहादुर जांबाज ओम की जरूरत है। यू बेटर गेट हिम रेडी। यस सर। कैसा है मेरा ओम? जय, मैं कई बार ये सवाल पूछ चुकी हूं, ना आप उसे घर लेकर आते हो ना कुछ बताते। क्या बताऊं यशवी, इमोशनली अनस्टेबल है और मेमोरी का कुछ कह नहीं सकते। जय, एक बार उसे घर ले आइए, हो सकता है मां को देखकर उसे सब कुछ याद आ जाए। ये पॉसिबल नहीं है यशवी, बी प्रैक्टिकल। एक मां का दिल प्रैक्टिकल नहीं होता। मां के दिल के चक्कर में मैं सोल्जर के दिमाग पर जोर नहीं डाल सकता। याद नहीं दिलाऊंगी, मगर मुझे देखते ही उसे सब कुछ याद आ जाएगा। आई एम सॉरी। मां, यशवी, ओम, माय वाइफ यशवी राठौर। नमस्ते मैम। मैं एक फाइल लेके आता हूं। जी सर। अंदर आओ। नो, इट्स ओके मैम, सर आते ही होंगे। आ जाओ बेटा, अंदर आओ, आओ बैठो। कुछ लोगे हो? टी, कॉफी? नो सर, थैंक यू, आई एम फाइन। मैं कुछ लेकर आती हूँ, इसे जरूर पसंद आएगा। सर, आपका घर बहुत अच्छा है। हाँ, थैंक यू। इसे अपना ही समझो, ये लो खीर खाओ। थैंक यू मैम।
बहुत अच्छे हैं मैम। ऐसा लगा जैसे मैंने खीर पहले भी खाई है। ओम, शॉप, लेट्स गो। यस सर। तुम गाड़ी में बैठो, मैं आता हूं। जी। थैंक यू फॉर द खीर मैम। माँ के हाथ का स्वाद याद है, लेकिन माँ नहीं, दो बच्चों की माँ बनी मैं, जय आज एक के भी नहीं हूं, एक चला गया और दूसरा भूल गया। खुद को संभालो यशवी, देखना एक दिन तुम्हारा हो तुम्हारे पास वापस आएगा। सृजन तू ही पालन, तू ही है संहार, और ओम शब्द में रचा बसा है यह सारा संसार। तुम्हारा जन्म ही देश की सुरक्षा और दुश्मनों के सर्वनाश के लिए हुआ है। वेलकम बैक ओम। अब और वक्त वेस्ट नहीं कर सकते सर, कवच तक जल्द ही पहुंचना होगा, और हम ये भी साबित करेंगे कि बाबा देशद्रोही नहीं, देशभक्त है। Today you are going to witness the biggest defense system ever created. Fasten your seatbelts and thank you for coming. Defense system can deactivate this nuclear missile containing 20% of highly enriched uranium energy that has the lethal power to destroy a radius of 301 kilometers on impact. Okay, what is the target?
Here. I'm a shoot guy. Oh my God. Hey. What's going on? साइल तो नहीं फटा लेकिन इनकी फट गई। लेट द ऑक्शन बिगिन। बैटलशिप पे तुम्हारी बॉडी कैम के लाइव फीड से मिली ये लास्ट फुटेज है। इसके बाद क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, शायद तुम भी नहीं। ये क्या है? तेरा बॉडी कैम और इसकी मेमोरी बिना बिल्कुल तेरी तरह अटक गई है। इमोशनल होके खींचा ना तो डैमेज हो जाएगा। जो तुझे याद नहीं वो शायद इसमें है। ब्रो सॉरी, अरसलान कहाँ है? ये तेरी वन नाइट मेमोरी में अरसलान भी था? ये नाम तुमने कसौली वाले घर में लिया था। तुम्हें मिशन अरसलान राठौर और हमारी टीम जय भवानी का बुलावा है। मैं निकलता हूं, यू गाइस कंटिन्यू। ऑपरेशन कवच की टीम में 6 मेंबर्स थे, अरसलान उनमें से एक था। बाकी 5 ऑपरेशन कवच के पहले 2 मिशंस में हमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिला था। हमारा पूरा होप इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर टिका हुआ था। नॉर्थ ईस्ट चाइना बॉर्डर के एक कैंप में लीड शील्डिंग की एक बहुत बड़ी डील हो रही थी और ये एलिमेंट कवच में एंटी रेडिएशन प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। हम अरसलान के सिग्नल का वेट कर रहे थे और हमेशा की तरह डील की इंफॉर्मेशन भी उसने ही दी थी। Everyone in position? Zulu in position. Whiskey in position. Foxtrot in position. Quebec in position. Brilliant. Get the job done. Sure, sir. Absolutely. Quebec, Zulu, engage. Engaging now. Foxtrot, targets on your northwest. Look east. 2 more targets. Whiskey, look east. Incoming target. Where are you from? Which organization? Who sent you? Huh? You tell me. Which country? You? What about you? तुम लोग अपना अपना देख लो, मैं अपने भगवान को याद करने जा रहा हूं। Pick it up. Go.
Market secure. Let's move. Om, kahan hai? Guys, वापस चलो. Om would need backup. कोई जरूरत नहीं है. रहने दो उसको. Why are you mundu mutta? Anna, what? तेरा best friend needs backup रे. Om खुद ही backup है. Turn your backs. रेस्क्यू करना हमारा मिशन नहीं था. मिशन सिर्फ मारना नहीं, बचाना भी होता. बिखरना ठीक था, बट जब बाला काउलून में, मैथ्यू रियाद में और अरसलान की बॉडी चेंज रूम में मिली तो हम सब टूट गए. और जब 2 महीनों तक तुम्हारी भी कोई न्यूज नहीं आई तो राठौर सर ने रोहित को ऑफिस में और मुझे अगले ऑपरेशन तक बर्न कर दिया. फिर एक शाम रो पैक योर बैग्स. ओम जिंदा ये बात तुम मैं और रोज जानते हैं. अंटिल माय नेक्स्ट ऑर्डर तुम्हें ओम को सेफ हाउस में रखना होगा. मेडिकल और बैटल दोनों फील्ड में तुम्हारी एक्सपर्टीज की जरूरत होगी डॉक्टर काव्या. रोहित तुम्हारे टच में रहेगा. यस सर. हाँ रोहित. ओके ओम, वी नीड टू गो. सर स्वीट स्पॉट में घूम रहे हमारे सेंसिंग मिलिट्री सैटेलाइट G-SAT-7A ने एक सर्वेलेंस रिपोर्ट भेजी है. इस एरिया में एक माइल्ड गामा रे और न्यूट्रॉन एक्टिविटी डिटेक्ट की गई है सर. बट सर देयर इज समथिंग स्ट्रेंज. आई एम स्कैनिंग द इमेज फॉर यू. सर न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च तो हुआ था मगर एक्सप्लोजन और रेडिएशन से पहले ही डीएक्टिवेट हो गया. लॉन्च फेल हो गया होगा. नो सर, लॉन्च फेल हुआ नहीं, किया गया. मतलब? सर इस न्यूक्लियर एक्टिविटी को डीएक्टिवेट करने में एक डिफेंस सिस्टम यूज हुआ है. कैसा डिफेंस सिस्टम? सर इस डिफेंस सिस्टम का फॉर्मूला और पैटर्न वही है जिसपे 15 साल पहले इंडिया काम कर रहा था. कवच. Are you sure? Unfortunately, yes, sir. आपने उनको अपने बारे में क्यों नहीं बताया? हर बात का एक सही वक्त होता है काव्या. युद्ध के मैदान में रिश्तेदारियां नहीं बताई जाती. ओम, देव बचपन का दोस्त था और तुम
छोटे भाई से बढ़कर उसने भरोसा तोड़ दिया, तुमने किया नहीं। मैं समझा नहीं सर। अब तक नहीं समझे? आज क्या कहोगे तुम देव के बारे में? तुम सही थे या मैं? देव भाई साहब के कलम के छींटे मुझ पे भी बड़े हैं सर। आप ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, मेरा खुद का भरोसा रोज कई बार अग्नि परीक्षा देता है सर। कल कवच टेस्ट होने के बाद आखिरी उम्मीद भी हाथों से जाती हुई दिखाई दे रही है सर। जा चुकी है। वो लिफाफा देख रहे हो? वंदना मैडम अभी मेरा मुंह पे फेंक के गई है। गो अहेड एंड ओपन एंड सी इट। व्हाट? एजेंसी टर्मिनेटेड? सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, इस बार हम बच नहीं पाएंगे सर। कल कवच का टेस्ट होता है और आज हमारे विंग को सस्पेंड कर दिया जाता है, ये इत्तेफाक नहीं है सर। मुझे लगता है कि हमारे बीच में कोई है जो हमारे मिशन को सैबोटाज करना चाहता है सर, और वो सफल भी हो गया। वो जानता है सर कि हम कवच के करीब हैं, एकदम करीब। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया सर। खत्म हो गया? जय रातोर ये कहना चाहता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तो क्या हम किनारे पे आके डूब जाएं? अगर रातोर डिसाइड कर ले, इम्पॉसिबल इज नथिंग, एंड दैट्स द रातोर आई ऑलवेज न्यू। हमारे पास कवच से रिलेटेड कई सारे वैलिड इंटेल है, हमारी टीम भी रेडी है और ओम भी। ओम, ये एक ब्लैक ऑपरेशन होगा, अनऑफिशियल सर। पकड़े गए हैं, यू आर ऑन योर ओन। सॉरी सर, वंदना मैम का मोबाइल अंदर रह गया, वही लेने आया था। रातोर, वंदना मैडम को फोन होगा। एक सवाल है जिसका जवाब सिर्फ आप दे सकते हो। मेरा दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग कहता है कि ये रजत दीवान के बस की बात नहीं। कवच का टेस्ट तुम्हारे बाबा के बिना नामुमकिन है। जवाब हाँ है। ये मेरा सवाल नहीं था। आपने सब कुछ बताया, बाबा के बारे में, कवच के बारे में, देश के बारे में, मेरे बारे में, फिर अपने बारे में क्यों नहीं बताया? क्या जानना चाहते हो मेरे बारे में? यही कि बाबा के जाने के बाद मुझे किसने संभाला, वो कौन है जिसने मुझे उस अंधेरे से निकालकर हिम्मत दी, कौन है जिसने अपना खुद का बेटा खोकर मुझे अपनाया? वो आप ही हो ना डैड। ये किसने बताया तुम्हें? ये सब आपने मुझे क्यों नहीं बताया? राष्ट्र हमेशा रक्त से बड़ा होता है ओम, और मुझे एक मजबूत योद्धा चाहिए था, कमजोर बेटा नहीं। फिर उस कमजोर मां पर क्या बीती होगी जिसका खुद का बेटा उसे पहचान नहीं पाया? और आज जब हमारी जिंदगी का भरोसा टूटता नजर आ रहा है, ऐसे में आपने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि मैं आपका बोझ बांट सकूं। कभी मन नहीं किया मुझे गले लगाकर बेटा कहने का। Dad?
बेटा नहीं डर नहीं हक नहीं होता हमें रोने का। वो वहां लड़ते हैं और हम यहां इस लड़ाई में जीते कोई भी हारते तो दोनों हैं। देश के लिए खून बहाना है मगर आंसू नहीं। रोज घर लौटते थे तो जान में जान आते थे। अब तो जान ही नहीं रही। जय हमेशा कहते थे कि हम औरतें ना बहुत मजबूत होती हैं और एक फौजी की बीवी तो खुद ज्यादा ही। देखो इन आंखों से हक नहीं रोने का। हक है मां अपने बेटे के कंधे पर सर रखकर रोने का। हक है मेरी जिंदगी में जागे कम है वो। एक आता है तो दूसरा चला जाता है। जाएंगे तो बस वो लोग जो सबके जाने की वजह है। अगर देव राठौर गद्दार है तो उसका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं होगा। ये क्या है? ये डिवाइस डैड ने मां को दिया था। कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो वो ये मुझे दे दें। ओम, हमें मूर्ति सर की मदद लेनी चाहिए। That's not possible. Operation Kavach terminate हो चुका है। जो करना है हमें ही करना है। पर एक कोवर्ट ऑपरेशन हम अकेले कैसे कर पाएंगे? Who will help us? जय भवानी। निशानियां है मतलब मैं नहीं हूं। ध्यान से सुनना कान से नहीं। Here's only. चाल बिगड़ जाए तो चाल बदल देना। कैटरपिलर का अंत तितली की शुरुआत है कहीं और नहीं है। सब कुछ यही है। तोड़ोगे तो जुड़ोगे। अंधेरा है मतलब चिराग भी होगा। वही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। थर्ड एम्पायर नजर रखेगा इसलिए नकाब बदलना चेहरे नहीं भारत मां के साथ साथ अपनी मां का भी ख्याल रखना। जय भवानी। जय भवानी। ये क्या था? कोडेड मैसेज। गलत हाथ में पड़ जाता तो भी सेफ रहता। निशानियां हैं मतलब मैं नहीं हूं।
डैड को ये पता था कि ऑपरेशन कवच और उनकी जान दोनों को खतरा है। राइट, ये सर की आखिरी निशानी, आखिरी ऑर्डर है। चाल बिगड़ जाए तो चाल बदल देना। कैटरपिलर का अंत तितली की शुरुआत है, मतलब अगर प्लान बिगड़ जाए तो नया प्लान इनिशिएट करना होगा। मेक सेंस? कहीं और नहीं है, सब कुछ यही है। तोड़ोगे तो जुड़ोगे, तोड़ोगे तो जुड़ोगे, तोड़ोगे। इसमें तो कुछ नहीं है। बना फोन है? हाँ। अंधेरे में चिराग जल उठा। फेक आईडीज है? कितने चाहिए? बस तीन, गोवा, चेन्नई, कोलकाता। सर, वो तीनों लोग यहां से निकल चुके हैं। मैम, वो तीनों चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। मैम, आई एम श्योर वो फ्लाई करने के लिए फेक आईडीज यूज कर रहे हैं। आईडी ट्रेस देम, फाइंड आउट करो कि वो कहां जा रहे हैं। मैम, यू आर राइट, टिकट्स फेक आईडी से बुक हुई हैं। फिलहाल ये तीनों गोवा, चेन्नई और कोलकाता के लिए फ्लाई कर रहे हैं। तुम तीनों सिटीज में अपने एजेंट्स को एक्टिवेट कर दो, उन पर कड़ी नजर रखो और जैसे ही वो लैंड होते हैं मुझे खबर कर दो। जैन सर। यस सर। जैन सर, सर मैं पोजीशन पे हूं सर। सर, जैन सर, फ्लाइट अभी लैंड हुई है। कॉपी सर। फ्लाइट अभी लैंड हुआ सर। हाँ सर, मैं वेट कर रहा इधर। इधर कोई भी नहीं है सर। नेगेटिव सर। सर, यहाँ पर कोई नहीं है। देख कौन दस, ट्रेस करो कि कहाँ है वो तीनों। थर्ड अंपायर नजर रखेगा, इसलिए नकाब बदलना, चेहरे नहीं। का प्लान बनाकर असली से ट्रैवल किया। रिस्पेक्ट करो। भाई, और नहीं हो पाएगा यार, प्लीज। We've reached. Reached? लेकिन यहां तो कोई भी नहीं है। ये कौन है? यही आ रही है। ओ जादू, ओम ओम, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चल और भी लोग हैं।
नाइस। खेल रहे हैं क्या? ओम, वो चाची गली में छोड़ी थी, ये किधर का नहीं छोड़ेगी? ओम, चल, मैं नहीं आ रहा। तुम्हारा चश्मो चिराग यहां है। अरसलान, अरसलान, I can't believe this. रो, देखा साले के दिल में यार अभी भी जिंदा है। लेकिन तू तो क्या मर गया था? बस एक डिकॉय था। तो वो जली हुई बॉडी किसकी थी? जला तो कोई और था, मुझे बस गोली लगी थी। टांग नहीं बची यार, पर जान बच गई। कोई नहीं, अब हम आ गए, बची कुची भी निकाल लेंगे। तू जिंदा है और कौन जानता है? राठौर सर और तू, तुझे बैटलशिप की लीड भी मैंने ही दी थी। एनीवेज गाइस, सिंक योर वॉचेस। अरसलान, वक्त बहुत कम है, नेक्स्ट लीड क्या है? हुला, मार्क कपस्टन और बोरिस ओकारो। आज ब्लैक मार्केट में सबकी निगाहें कवच की इसी डील पे हैं, और ये कभी भी हो सकती है। किसी भी बिजनेस का ना अपना एक चेन होता है, सेलर, बायर और उनको जोड़ने वाला ब्रिज होता है ब्रोकर। और ये तीनों इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में आर्म्स और एम्युनिशन के सबसे बड़े ब्रोकर्स हैं, एक्सट्रीमली पावरफुल। हुला, ये डील करता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ। दूसरा मार्क, इसे जाने दे। और तीसरा बोरिस, ये डील करता है मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ। क्यों, मार्क मर गया? नहीं, मरा नहीं है, लेकिन मौत से बदतर हालत में है। क्या मतलब? आर्मेनिया के सबसे सिक्योर जेल में है। इतना बड़ा ब्रोकर 10 साल से जेल में है, तो टॉप 3 में कैसे है? रोहित, हाँ, तू ये जेल का सर्वेलेंस हैक कर सकता? ऑफ कोर्स, ये ले, चला, तू ये संभाल, मैं ये संभालता। अरे जेल मत जा यार, बोरिस ज्यादा बेटर लीड है। एक सेकंड Guys, I'm in. देख, सब ठंडा पड़ा है। ओम ये सही बोल रहा है। यहाँ सिगरेट पी रहा है, यहाँ खाना चल रहा है, और यहाँ गेट नंबर 11 पे कोई ट्रेलर है। बोरिस चले? ठीक है। रुक, वो ट्रेलर कहाँ गया? अभी तो यही था। और कैमरास हैं क्या? Let me check. Back gate पे 3 और है। एक सेकेंड, I'll just get the live feed. कैमरा नंबर 24 लगा? Zoom in. ये तो मार्क है। हाँ? Oh, are you seeing this? ये कहाँ गया? Quickly wear your earpiece. ओम, ओम तुम कहाँ हो? जेल जा रहा हूँ। मार्क हाथ से नहीं निकलना चाहिए। रोहित, तू मुझे गाइड कर। कॉपी। ओम, 2 किलोमीटर स्ट्रेट और उसके बाद लेफ्ट।
ट्रेलर जेल से निकल चुका है। कहाँ जा रहा है? E5 हाईवे। ट्रेलर से मेरा डिस्टेंस क्या है? 12 किलोमीटर। येरेवान मार्केट से सेकंड एग्जिट। सिटी टनल एंटर कर चुका है। बेटा मत कहो मुझे। मुझे तुझसे डर नहीं लग रहा, डर लग रहा है तो उस नफरत से जो इस वक्त तेरी आंखों में है। आंखों में नफरत ही नहीं, सवाल भी है, और सभी सवालों के जवाब में तुम गलत नजर आते हो। मैं गलत तुम थे और तुम्हारा लालच था। उस छोटे से बच्चे का तुम्हारी वजह से मर जाना गलत था। बचपन से लेकर आज तक मेरा सदमे से रोज मरना गलत था। जो भाई तुम पर अपनी जान देता था उस भाई को मार देना गलत था। देश का भरोसा तोड़ना गलत था।
बात सब गलत सही होगा। फिर उस सच का क्या जिसका 17 साल मैंने सामना किया? उसे कहने का हक है मेरा और उसे तुझे सुनना भी पड़ेगा। उसके बाद बंदूक भी तेरी और फैसला भी तेरा। निकल गया। रजत और दीवान बिक चुके थे, लेकिन जब मैंने देश के खिलाफ जाने से मना किया तो तुझे पता ही है उन लोगों ने क्या किया। उन लोगों ने मुझे दिन रात तोड़ने की कोशिश की, ना वो थके ना मैं हारा, लेकिन तेरी मरने की खबर से मैं बिखर गया था। होने को कुछ भी नहीं बचा था, बची थी तो बस एक वजह, देश का कवच जो मुझे वापस लौटाना था। इसीलिए मैंने रजत और दीवान के साथ मिलकर कवच पर काम करना शुरू किया। 20 साल दिन रात मैंने अपना सब कुछ कवच को दे दिया, इस उम्मीद पर कि एक दिन मेरा भाई जय मुझे ढूंढता हुआ जरूर आएगा। मेरी हिम्मत दुगनी हो गई, हौसला लौट आया जब पता चला कि तू जिंदा है। लेकिन जिंदगी भी क्या मजाक करती है, जो उम्मीद तुम्हें जोड़ने आती है वही सबसे ज्यादा तोड़ के जाती है। जय की मौत ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया, लेकिन आज ये देखकर गर्व हो रहा है कि एक बेटा देश के लिए अपने बाप पर बंदूक तान के खड़ा है। सोच, इस खून में गद्दारी कैसे हो सकती है? ओम रुको, पहले ये देखो, हमारे टीम को खत्म करने वाला राठौर सर का हत्यारा। यहां तक कि बैटलशिप पर जिसने तुम पर गोली चलाई उस सब के पीछे ये है। क्योंकि तेरे वहां पहुंचते ही वो लोग अलर्ट हो जाएंगे और कवच को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। कवच का कोर मेरे बायोमेट्रिक्स के बिना ओपन नहीं हो सकता, मुझे वहां जाकर सिक्योर करना पड़ेगा। काव्या, तुम बाबा के साथ जाओ, जब तक वो कवच तक पहुंच ना जाए मुझे अपडेट करती रहना। ओके। बेटा, उस लोकेशन पर रूथलेस मर्सनरी 24 घंटे तैनात रहते हैं, उन्हें तोड़ना मुश्किल होगा। बाबा, रास्ता सिर्फ दरवाजा ही नहीं दीवार भी देती है, बस घुसने वाला चाहिए। सरकार से निकल चुके हैं, उनके साथ 2 गार्ड्स हैं, वो वर्कस्टेशन की तरफ जा रहे हैं। सिक्योरिटी इज टू हाई, लुक्स लाइक एन इजरायली फोर्स। ज
जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, cheers, cheers, cheers. You know, actually, I'll just be back. Okay. So, sir, you guys must be tired. You can, yeah, sure. Yeah, please have a seat. Dev, खबर मिली है वो हम पहुंच गया है. Delegates are here. Let's finish the deal. Okay. ओम यहां तक पहुंच गया है तो उसे तेरे बारे में भी पता होगा. राठौर, राठौर क्या हुआ? I can't see anything. ये क्या हुआ रॉय? Sir, I think we lost the power from the main source. क्या हुआ? I can't see anything. डेलीगेट्स के साथ लोकेशन के एंड पर बैठे. लुक्स लाइक कवच की डील शुरू हो चुकी है. देव सर कवच तक सेफली पहुंच गए. Why is he taking so much of time? He shall be here in another 5 minutes. Huh? Watch your tire, watch it. Look left. Truck approaching. Sir, और कितना वक्त लगेगा? The delegates are getting restless. Don't have time, I sir. I said I'm almost done. Guys, I think we should destroy the North Wing. Unka sara ammunition wahan hai. Dev, aur kitna waqt lagega? Tera beta to yahan tabahi macha raha hai. 5 minute aur. Shit. 5 minute mein to wo shamshan bana dega. Rohit, what's the update? Dev sir abhi bhi andar hai. Okay. Yeah.
स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं है। मूर्ति! अब आया रिएक्शन। सबके बीच रहते हुए छुपा रहना कितना मुश्किल है पता है तुझे? कितने मुखौटे बदले, साला ईमानदारी से बेमानी किया आप सबको ट्विस्ट, गले की हड्डी बनकर पहले जय और अब तुम। अरे आधे टीम को ऑलरेडी भेज चुका हूं, अभी पूरी टीम को भेजूंगा जय भवानी के पास। गोलियां असर नहीं करती ना तुझ पे। ब्रेक हिम। Arsalan! Arsalan, come in! Trying to escape in the chopper.
नाक गाड़ने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा। लेकिन तू देश का कोनेगार है और तू वहीं दफन होगा। ले जा, जो भी सजा देगा मुझे मंजूर है, मुझे मत मार। इसे सजा मैं दूंगा। नहीं बाबा, हट जा। नहीं बाबा, हट जा बेटे। इसने मुझसे मेरा देश छीना, मेरी पहचान, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा सब कुछ छीना, सब कुछ, मेरा सब कुछ छीना। बाबा बस ढूंढ रहे अपना बेगुनाह बाप। वो रिश्ता मैं उसी रात आग में जला के आ गया था। मेरा कवच ही मेरे लिए सब कुछ है। गैरों ने साथ दिया लेकिन अपनों ने नहीं। मेरे और मेरे कवच के बीच कोई नहीं आ सकता, ना भाई। मैंने ऑपरेशन कवच रुकवा दिया है लेकिन तेरा भाई राठौर रुकने वाला नहीं है। बात आगे निकल चुकी है मूर्ति, उड़ा दे उसको। देव, वो तेरा भाई है। तेरा भाई होता तो मैं छोड़ता क्या? ना तू। ज्यादा खुशकिस्मत डैड थे जो इस गलत फहमी में चले गए कि उसका भाई गद्दार नहीं। बचपन से जो उम्मीद थी वो आज टूट गई। चाहता तो मैं तुम्हें वहीं मार सकता था लेकिन सोचा कभी कभी गलत इंसान भी सही जगह ले आता है। पहले रजत, फिर दीवान और अब मूर्ति। सारे सबूत मिटा दिए, बेच दिया कवच। तुम्हारी कहानी की तरह एक कवच भी छूटा है, असली कवच वहां है। आज देश का गर्व तो वापस जाएगा लेकिन गद्दार नहीं, क्योंकि ओम जय राठौर ने अपनी मां से वादा किया कि अगर देव राठौर गद्दार निकला तो उसकी चिता को आग लगाने वाला कोई नहीं होगा। और मैं मां को किया वादा नहीं तोड़ सकता। शोल्डर कैसा है? मच बेटर।